जिस तरीके से अभी हमने प्रमोशन के बारे में डिस्कस किया नाउ वी आर गोइंग टू सी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स प्रमोशनल मिक्स में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शामिल हैं दे आर फोर एलिमेंट्स फोर मेन एलिमेंट्स सबसे पहले एडवरटाइजिंग है देन पब्लिक रिलेशनस है देन पर्सनल सेलिंग है एंड देन सेल्स प्रमोशन है तो ये फोर की एलिमेंट्स हैं नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज फोर की एलिमेंट्स वन बाई वन तो सबसे पहली डिस्कशन हमारी है अबाउट एडवरटाइजिंग एडवरटाइजिंग क्या चीज है एडवरटाइजिंग को अगर मैं की एस्पेक्ट के परस्पेक्टिव से आपके सामने डिस्कस uh, करूँ आपके सामने एलैबरेट करूँ तो सबसे पहले ये एक पेड फॉर्म है नंबर टू जो इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है ये एक नॉन पर्सनल प्रजेंटेशन है तो जब हम पेड की बात करेंगे नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे और तीसरे नंबर पे इट इज आउट ऑफ स्टोर मैथ मीडिया की डिस्कशन की बात हो रही है और फोर्थ नंबर के ऊपर फोर्थ लेवल के ऊपर क्योंकि स्पॉन्सरशिप की नीड है स्पॉन्सरशिप के थ्रू है बिकॉज रिटेलर का स्टोर के अंदर uh, जो भी एडवर्टाइजिंग है आइदर दे आर स्पॉन्सर्ड बाय बाई सप्लायर्स और सम अदर पार्टी थर्ड पार्टीज सो क्या स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है यू नीड टू आइडेंटिफाई सम स्पॉन्सर फॉर इट तो हमारे पास ये एडवर्टाइजिंग को अगर मैं रिटेल के परस्पेक्टिव में देखूंगा तो हमारे पास चार की कॉम्फोन के बन रहे होंगे सबसे पहले तो ये एक पेड फॉर्म है नंबर uh, टू के ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो ये एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है नंबर थर्ड के ऊपर मैस मीडिया मैथ मार्केट को कवर करने के लिए और फोर्थ यू हैव टू आइडेंटिफाई सर्टेन स्पॉन्सर फो डू दैट तो एडवर्टाइजिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अब मैं उनकी तरफ आता हूं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है गुड्स के बारे में आपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है सर्विसेज के बारे में आपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है कंपनी के रिटेल स्टोर के एट्रीब्यूट्स के हवाले से तो इन तीनों बातों के लिए द फर्स्ट की ऑब्जेक्टिव ऑफ़ दफ़ द प्रमोशन ऑफ़ द एडवर्टाइजिंग कि आप कस्टमर को ये आ, ये सेट कर लें अपना ऑब्जेक्टिव कि मैंने किस तरीके से एडवर्टाइजिंग के थ्रू इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है फिर ईज़िंग जॉब ऑफ सेल्स पर्सनैल जो लोग सेल्स का काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग बहुत हेल्प करती है तो इट इज ए टूल फॉर द सेल्स पर्सनैल इट इज ए टूल फॉर द सेल्स पीपल ताकि वो जाएं और कस्टमर को बता सकें कि वो किस कंपनी को किस रिटेल स्टोर को किस बिजनेस को रिप्रेजेंट करें फिर डेवलपिंग डिमांड फॉर द प्राइवेट लेबल ब्रांड्स प्राइवेट ब्रांड्स इवन रिटेलर का जो ओन ब्रांड है उसकी डिमांड को भी डेवलप करने के लिए एडवर्टाइजिंग हेल्प लॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रिटेल स्टोर का एक अपना ओन ब्रांड है जिसको शायद उस रिटेल स्टोर के अलावा और कोई भी नहीं जानता तो थ्रू एडवर्टाइजिंग यू कैन रियली प्रोमोट यू कैन रियली क्रिएट डिमांड ऑफ योर ओन ब्रांड इसी तरीके से शॉर्ट टर्म सेल्स को भी आप लिफ्ट कर सकते हैं एज यू विल एडवर्टाइज ऑफकोर्स दिस विल इम्पैक्ट इन इंक्रीजिंग द सेल्स तो शॉर्ट टर्म सेल्स को इनक्रीज करने का थ्रू uh, एडवर्टाइजिंग uh, uh, के थ्रू भी यू कैन अचीव दिस ऑब्जेक्टिव कस्टमर की ट्रैफिक को बिल्ड कर सकते हैं एज यू विल एडवर्टाइज ऑफकोर्स मोर फ्रीकवेंटली द कस्टमर विजिट टू यू कस्टमर की ट्रैफिक को बिल्ड किया जा सकता है थ्रू एडवरटाइजिंग एंड डिवेलपिंग एंड री इन्फोर्सिंग रिटेल इमेज जिस तरीके से हम बार बार बात कर रहे थे अर्लियर टॉपिक्स के अंदर भी रिटेलर के लिए इमेज बहुत जरूरी है इमेज को बिल्ड करना बहुत जरूरी है तो थ्रू एडवर्टाइजिंग यू कैन री इनफोर्स योर मैसेज यू कैन री इन योर इमेज ताकि कस्टमर को आपके हवाले से बड़ी क्लैरिटी रहे कि दिस इज वॉट दिस रिटेल स्टोर इज ऑल अबाउट तो अब हम अगर डिस्कशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास क्या एडवांटेजेस नजर आते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस नजर आते हैं ऑफ दी एडवर्टाइजिंग ताकि हम अगले एलिमेंट uh, की तरफ जाने से पहले इसकी वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से कर ले कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं तो जो फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास एडवर्टाइजिंग का है वो लार्ज ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है गेन पास अलोंग रीडरशिप अगर प्रिंट मीडिया के थ्रू आप ये बात कर रहे हैं तो क्विकली मैसेज जो है वो कस्टमर को मैस कस्टमर्स को थ्रू होता है इसकी पर कॉन्टेक्ट कॉस्ट जो है वो लो है तो बिकॉज मेसिफिकेशन अगर आप टेलीविजन के अंदर कोई ऐड चला रहे हैं सो द कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट इज वेरी लो दैट इज वन ऑफ द की एडवाटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट देन मैनी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल बहुत सारी ऑप्शन हैं आपके पास एडवर्टाइज करने की दिस इज वन ऑफ द एडवाटेज कंट्रोल आपके पास है ओवर द मैसेज ओवर द कॉन्टेंट स्टैंडर्डाइज मैसेज आप भेज देख सकते हैं कस्टमर को जो कि आप चाहते हैं जो कि अप्रूव्ड हो जो कि आपके इमेज को इम्प्रूव कर सके फिर मैसेज uh, को स्टडी करना पॉसिबल होता है एडिटोरियल uh, कंटेंट को इम्प्रूव करना इम्प्रूव uh, किया जा सकता है वन ऑफ़ द एडवांटेजेस और सेल्फ सर्विस ऑपरेशंस पॉसिबल हैं दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द एडवर्टाइजिंग कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं uh, जिस तरीके से हमने कहा कि एडवांटेज स्टैंडर्डाइज मैसेज है दूसरी तरफ डिसएडवाटेज भी हैं बिकॉज इट इज़ लैक्स फ्लैक्सिबल इट लैक्स फ्लैक्सिबिलिटी तो वन ऑफ़ द डिसडवाटेज इज़ कि जो स्टैंडर्डाइज मैसेजेस हैं उसकी फ्लैक्सिबिलिटी uh, बहुत ज़्यादा नहीं है फिर कुछ मीडिया के ऊपर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए जिस तरह मैंने टेलीविजन मीडिया की बात की इट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग फिर जियोग्राफिक फ्लैक्सिबिलिटी लिमिट जो है वो वन ऑफ द डिसडवाटेजेस में से है कि जब आप फॉर एक्जाम्पल इफ आई दिस एडवर्टीजमेंट इज नॉट मेंट फॉर सम एरिया बट ऑफ कोर्स इफ देर इज दैट मीडियम दैट एडवर्टाइजिंग मीडियम देन यू आर गोइंग टू डू दैट और वो ऑटोमेटिकली उस तक पहुंच जाएगा तो कुछ मीडिया रिक्वायर लॉन्ग लीड टाइम अगेन इंपॉर्टेंट बात है कि डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग हमारे पास ये भी है कि कुछ कुछ मीडिया ऐसे भी हैं एडवर्टाइजिंग के जिनको लीड टाइम बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए रिक्वायर्ड होता है कुछ मीडिया ऐसे भी हैं कि जिनके रेट्स बहुत थ्रो अवे हैं और कुछ मीडिया ऐसे भी हैं कि जिनके पास मीडिया लिमिट दी एबिलिटी टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एट यू कैन ओनली प्रोवाइड वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट मे भी कस्टमर को किसी लेवल के ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो जो कि शायद इसके थ्रू एडवर्टाइजिंग के थ्रू मुमकिन नहीं है कुछ मीडियम के थ्रू मुमकिन नहीं है तो एडवर्टाइजिंग मीडिया का अगर मैं कंपेरिजन चार्ट क्विकली शेयर करता हूँ आपसे तो हमारे पास मीडियम्स हैं डिफरेंट एडवर्टाइजिंग के किस मार्केट को वो कवर करने जा रहे हैं और पर्टिकुलर सुटेबिलिटी किस तरह के रिटेलर्स के लिए है तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है समझने के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ डेली पेपर्स की डेली न्यूज की बात हो रही है तो मार्केट कवरेज जो है वो सिंगल कम्युनिटी है और इंटायर सिटी है एटलीस्ट तो ये सूट करता है जो सूटेबिलिटी इस मीडियम की है दैट इज ऑल लार्ज रिटेलर्स वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनका टारगेट कस्टमर पूरी लोकेलिटी पूरी कम्युनिटी हो सकती है अगर ये वीकली पेपर्स की बात हो रही है तो अगेन सिंगल कम्युनिटी टारगेट है सो तो ये, ये, तो so ये वो रिटेलर्स uh, टारगेट करें कि जिनकी स्ट्रिक्टली लोकल मार्केट को फॉलो uh, कर रहे हैं जिनके लोकल uh, मार्केट जो है वो uh, के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली है देन अगर आप शॉपर पेपर्स की बात कर रहे हैं तो ये वो नॉर्मली मोस्ट हाउस होल्ड इन वन कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हो रही है तो ये नेबरहुड रिटेलर जो नेबरहुड स्टोर्स हैं उनको लिए मीडियम सूट करता है अगर हम बात करते हैं फोन डायरेक्टरीज की डायरेक्ट uh, मेल की तो अगर आप देखेंगे कि फोन डायरेक्टरीज केस के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ गुड एंड सर्विस रिटेलर ये उनको सूट करता है तो यूजिंग डायरेक्ट मेल ये नॉर्मली सूट करता है वो तमाम तरह के रिटेलर्स को जो कि बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं अब बेहद तेजी से ग्रो कर रहे हैं या बहुत न्यू है इस बिजनेस के अंदर रेडियो आपको तब सूट करता है उन रिटेलर्स को कि जिनकी आइडेंटिफाइबल सेगमेंट्स हमारे पास हो उनको पता हो कि उनका क्या आइडेंटिफाइबल सेगमेंट्स है टीवी सूट करता है कि जहां पर आप यू आर मैसिवली स्प्रेड आपकी रिटेलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस अपील है यू कैन ईजीली अट्रैक्ट कस्टमर्स मोर अगर हम बात करें यूजिंग एडवर्टाइजिंग थ्रू सोशल मीडिया थ्रू वेब देन ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओरिएंटेड रिटेलर उसको टारगेट कर सकते हैं बड़े आराम से अगर आप ट्रांसिट आउटडोर की बात करते हैं तो अगेन uh, हमारे पास उस तरह के रिटेलर जो कि अम्यूजमेंट ओरिएटेड हैं टूरिस्ट uh, ओरिएटेड हैं वो किसी भी तरह की आउटडोर को इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरीके से अगर लोकल मैगजींस की बात करते हैं एज ए मीडियम तो नॉर्मली एंटरटेनमेंट ओरिएटेड फर्म्स मॉल्स मेल ऑर्डर फर्म्स जो हैं वो ये उस तरह के रिटेलर्स को सूट करता है और अगर हम फ्लायर्स की बात करते हैं तो ये सर्विस स्टेशन को ड्राई क्लीनर्स को नेबरहुड फर्म्स को ये इनकी सूटेबिलिटी ज़्यादातर उस परस्पेक्टिव uh, के अंदर है हमारे पास लास्ट में एग्जाम्पल है एडवर्टाइजिंग के हवाले से सो देर आर लॉट ऑफ एग्ज़ाम्पल्स जो के एडवर्टाइजिंग की फेवर में हैं तो यह पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एडवर्टाइजिंग बिल बोर्ड एडवरटाइजिंग है फॉर देडेस्ट्रियन एंड फॉर दी मोटरिस्ट ताकि जब वो देखते हुए गुजरें तो उनको पता लगे कि यस ये एडवर्टाइजिंग गोरी है किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड की एडवर्टाइजिंग का बहुत की रोल है प्रोमोशन मिक्स के अंदर ऑफ रिटेल स्टोर लेकिन कोर्स इसके सेट ऑफ बेनिफिट्स हैं ऑफ़कोर्स वहाँ पर उसकी सेट ऑफ कॉस्ट भी हैं विच वी हैव डिस्कस्ड एर्लियर नाव रिटेलर हैज़ टू डिसाइड कि उसने एडवर्टाइजिंग के कौन से मॉड को एडवर्टाइजिंग के कौन से मीडियम को ऑप्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा सुटेबिलिटी उसको अपने बिजनेस के हवाले से लगे